अच्छा ये बताइए कि सबसे पहली आइटम या चीज जो आपने बनाई वो क्या थी? फर्स्ट जो कस्टमाइजेशन का ऑर्डर आया वो एक हॉर्स फेस था। किस तरह आप ये तमाम मल्टी फैसेटेड एरियाज में काम को मैनेज कैसे करती हैं? हर एक को उसके हिसाब से डील करना इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट माय डिजायर्ड रिजल्ट। जो की बड़ी मुनासिब है फॉर द काइंड ऑफ वर्क एंड एफर्ट यू पुट इन, इट्स वेरी रीजनेबल। बहुत नॉमिनल प्राइसेस हैं और एट टाइम्स तो मैं एग्जीबिशन करती हूँ तो बस इक्वली हो जाता है, देयर इज नॉट अ बिग प्रॉफिट। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हजरात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम और चैनल यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज मैं आपका तारुफ करा रही हूँ फरहा फयाज। मैं एक दफ़ा गोल्ड क्रेस्ट गई तो इनके सामान की एग्जीबिशन लगी हुई थी, आई जस्ट स्टॉप डेड। इतना हसीन सामान था, अ मिक्स अ फ्यूजन ऑफ द मॉडर्न इन कंटेम्प्रेरी फर्नीचर, लेकिन जो उसके ऊपर पेंट्स थे, जो डिज़ाइंस थे वो मुगलिया ज़माने के। इसी तरह लैम्प शेड्स, स्टूल्स, रनर्स, बहुत सामान। तो इनका मैंने नंबर लिया और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज ही हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरा, क्या हाल है आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे फरा, आई एम सो ग्रेटफुल। अच्छा ये बताइए फरा कि आजकल ख्वातीन अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ को बहुत तरीक़ों से यूज़ करती हैं, आपके जहन में ये फर्नीचर या हाउस डिकोर का ही ख्याल क्यों? बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन एवरी थिंग दैट डील्स विद एस्थेटिक्स। आर्ट से मुझे शगफ है। आप कुकिंग कर लें, दैट्स एन आर्ट एंड अ साइंस। आप पेंटिंग कर लें, आप बुक रीडिंग कर लें, आप कोई सी भी एक्टिविटी कर लें, दैट्स एन आर्ट। तो आर्ट में मुझे शुरू से इंटरेस्ट था और होम डेकोरेशन में इसलिए कि अगेन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। आपका घर डेकोरेट किया हो तो आपको हर रोज़ एक फ्रेश और हेल्दी फीलिंग होती है। तो मुझे उसमें शुरू से बहुत इंटरेस्ट था कि घर आपका ऐसा हो कि आपको एक कोजी और सूदिंग फीलिंग आए घर में। सो दिस ड्रैग मी टू दैट साइड। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहली आइटम या चीज़ जो आपने बनाई वो क्या थी? इन द बिगिनिंग मैं तो कुछ रेडीली अवेलेबल डिज़ाइंस को ही यूटिलाइज कर रही थी, लेकिन मेरा जो वेरी फर्स्ट डिज़ाइन था कस्टमाइज्ड का, मैंने जब अपनी फेसबुक पे लगाया, मुझे वेरी फर्स्ट जो कस्टमाइजेशन का ऑर्डर आया वो एक हॉर्स फेस था एंड शी टोक इट फ्रॉम समवेयर दराज से या अली एक्सप्रेस से। वहाँ पे तो कुशंस बहुत महंगे, शी सेड कि कैन यू कस्टमाइज दिस फॉर अस। सो दैट वाज अ चैलेंज। मैंने जब इधर उधर देखा दैट पिक्चर वाज नॉट रेडीली अवेलेबल, वो एक लाइव हॉर्स को ही उन्होंने ग्राफिक चेंज करके तो कुशन में बनाया हुआ था एंड दैट वाज अगेन फ्रॉम दराज और अली एक्सप्रेस समवेयर। उस पर फिर मैंने वर्क किया, दैट वाज नियरली इम्पॉसिबल फॉर मी। फिर मैंने कहा कि नहीं, दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी नाउ और नेवर। अगर आज मैंने ये ऑर्डर नहीं किया आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू माय बिजनेस, आई कांट। सो आई वाज आफ्टर दैट एक डिज़ाइनर, दो, तीन, एंड आई ब्रॉट आउट द रिजल्ट, द बैकग्राउंड शी डिमांडेड, and that was my very first customized order. Acha aapka chuke bada ek mix hai cheezon ka, lamps bhi hain, uski workmen uske alag hote hain, wood ka bhi kaam hai, phir graphic designing, wo uska imprints aane aapke stools pe ya lamps pe ya runners pe ya cushions, so many things, ye sare mamlaat hain. To किस तरह आप ये तमाम मल्टी फैसेटेड एरियाज में काम को मैनेज कैसे करती हैं? दैट्स वेरी डिफिकल्ट एंड दैट्स वेरी हेक्टिक। आई हैव टू डील इन विद ईच एंड एवरी वर्कमैन सेपरेटली, हर एक को उसके हिसाब से डील करना इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट माय डिजायर्ड रिजल्ट। आई मेनली डील इन विद डिजिटल प्रिंटिंग। थैंक्स टू द डिजिटल वर्ल्ड टुडे हर चीज़ डिजिटल हो गई है, डिज़ाइंस भी डिजिटल हैं। So I deal in with all the products that can handle my design. अच्छा आपकी तस्वीर में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुमाया हैं और इन दोनों चीज़ें में एक चीज़ बहुत नुमाया है। पहली बात तो ये कि आपने ज़्यादातर जो मैंने आपका कम अज़ कम अभी तक चीज़ें दिखा है और हम अपने प्रोग्राम में भी मुस्तकिल आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, एंड यू वर वेरी काइंड इनफ कि आपने बड़ा प्रोफेशनल एक शूट करा
और हमारे इस प्रोग्राम के लिए, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, ताकि लोगों को अच्छे तरीके से आपकी प्रोडक्ट से एक वाकफियत हो कि आप क्या काम कर रही हैं, बहुत मेहनत का काम कर रही हैं। तो उसमें या तो मुगलिया दौर की हैं सारी अशिया जो उसमें डिज़ाइंस हैं या उसकी वो है, और या शेर व शायरी। अच्छा, और दोनों में एक चीज़ बड़ी नुमाई, दोनों में सेंस ऑफ मूवमेंट है हर पिक्चर में, नॉट ओनली इन योर मुगलिया पिक्चर्स, बल्कि जब मैंने एक आपका फ्लोर लैम्प देखा था गोल्ड क्रेस्ट में, जिसपे एक वो बड़ा मशहूर इकबाल का शेर है, तुशाई है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे, तो आपने उकाब की उधर तस्वीर एक आ रही है अगेन इन अमोशन एंड, और उसमें वो शेर पूरा छपा हुआ, तो वो एक एक चीज़। तो क्या होता है आपके जहन में, कब आपने ये जानबूझ के आपने किया कि मूवमेंट हो हर आपकी तख्लीक में या इत्तेफाकन में? बेसिकली आई लव नेचर, पार्क्स में जाना, गार्डन्स, पौधे, एनिमल्स, बर्ड्स, आई लव ऑल ऑफ देम। इन सब में ना एक मोशन, एक एक्टिविटी आपको नज़र आती है, दे आर नॉट स्टिल। आप मेरे हॉर्सेस वाले लैम्प शेड्स देखें, कुशंस देखें, मेरे एलिफेंट्स वाले देखें, यू कैन सी मोशन एंड मूवमेंट इन ईच एंड एवरी थिंग। ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। अगर आप ऐसी स्टेबल चीज़ें, उदास बैठी हुई चीज़ों को देखेंगे तो आपके अंदर वो मोशन नहीं आएगी, ज़िंदगी में काम करने का, आगे बढ़ने का वो हौसला कभी नहीं आएगा। जहाँ तक बहुत खूबसूरत वैसे आपने तशरीह करी है फरा, प्लीज़ आप कह रही हैं। और जहाँ तक आप अल्लामा इकबाल के शेर की बात कर रही हैं, आई वॉन्ट टू वर्क अ लॉट ऑन हिज वर्सेस, लेकिन बात यह है कि हमारे इर्द गिर्द मुआशरे में इतनी ज़्यादा एस्थेटिक है नहीं। मैंने बनाए अल्लामा इकबाल वाले लैम्प शेड, दे वर हार्डली टू कस्टमर्स के जिन्होंने मेरा शाहीन वाला लैम्प शेड लिया या मेरा कुशन लिया। लोग एस्थेटिक, हर एक की अलग अलग अपनी अपनी एस्थेटिक है, शेर व शायरी इतना अपने कमरे में आवेज़ा करना, डेकोरेट करना पसंद नहीं करते। लेकिन जब मैंने वो बनाया, व्हाट आई थॉट कि हमें अपने नौजवानों को, अपनी यूथ को मैसेज देना चाहिए कि हमने आगे बढ़ना है, जो हमारी कंट्री के हालात हैं, जो इर्द गिर्द हमें नज़र आ रहा है, दे आर नॉट गेटिंग एनी मोटिवेशन। हम अपने हद तक जितना भी रोल प्ले कर सकें, अपने यूथ को मैसेज दे सकें कि हमने इस जो भी हालात हैं उनमें से निकलना है। तो दैट्स वाई उसमें शाहीन और पहाड़ और ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। हमारा टारगेट ऊपर होना चाहिए, हमारा टारगेट पीक होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपकी अलग कोई अभी आउटलेट नहीं है जहाँ से आप सामान बेचती हैं? आप या तो एग्जीबिशंस करती हैं या घर से करती हैं? जब आप घर से करती हैं तो आपको क्या आप सिर्फ ऑर्डर पे बनाती हैं, या अगर आप कुछ सामान बना के भी रखती हैं तो किस मसाइल का सामना आपको पेश आता है घर से सामान बेचने? आई वर्क बोथ वेज, मेरे पास कुछ अपने रेडीली अवेलेबल डिज़ाइंस भी होते हैं और मैं कस्टमाइजेशन का काम भी करती हूँ। तो बेसिकली अगर मैं आउटलेट बनाना चाहूँ, दैट्स टू एक्सपेंसिव, टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक प्रोडक्ट है मेरा, कुशन है, उसकी एक वर्थ है, अगर मैं टैक्सेस इतने ज़्यादा दूंगी, अगर मेरी शॉप का आउटलेट का रेंट इतना ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली मैं अपनी टेबल और कुशन में से ही निकालूंगी। अब अगर मैं उसमें वो सारे एक्सपेंसेस डालती हूँ तो एक चीज़ की एक वर्थ है वो उसे ऊपर चली जाएगी, नो वन इज़ गोइंग टू बाय इट। आपके जो कंज्यूमर्स हैं फरा, उनका प्रोफाइल क्या है? वैसे तो मिक्स प्रोफाइल हो सकता है, बट ज़्यादातर किस किस्म के लोग आके आपकी प्रोडक्ट को पसंद करेंगे? मतलब पसंद तो सभी करते होंगे, बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल। हाँ, मैं जब गई थी तो मैंने देखा था कि बहुत रश था आपके आउटलेट पे। जब मेरी बेटी अगले दिन गई लैम्प लेने, बिकॉज आई गॉट दैट स्टूल एंड दैट टेबल, एंड मेरी बेटी इतनी खफा हो गई, कहने लगी आपने टेबल क्यों, वो लैम्प क्यों नहीं लिया, आपको इतना पसंद आया था। देन शी वेंट द नेक्स्ट डे के उसके कोऑर्डिनेटिंग वो लेकर आई, लेकिन अगले दिन भी बहुत रश था वो बता रही थी। तो लेकिन एक्चुअल बाय कितना लोग करते हैं? अप्रिशिएट तो बहुत लोग करते होंगे। अप्रिशिएट तो सब ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि इट्स वेरी इनोवेटिव आइडिया, बहुत नई चीज़ है, हमारा कल्चरल और कंटेम्प्रेरी का मिक्सचर है,
हमें ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी और हर कैटेगरी को कैटर करना होता है. हमारे पास टीनेजर्स भी आते हैं, हमारे पास ओल्ड एज भी आते हैं, यंगस्टर्स भी आते हैं. पसंद सब एस्थेटिक वाले करते हैं, लेकिन परचेज वो करते हैं कि जिनके घर में गुंजाइश भी है, इकोनॉमिकली भी ओके हैं और अप्रिशिएट जो कर सकें. पसंदें चीज़ों की बड़ी मुनासिब हैं फॉर द काइंड ऑफ वर्क एंड एफर्ट यू पुट इन. इट्स वेरी रीजनेबल बिकॉज आई एम जस्ट होल्डिंग द एग्जीबिशंस. मेरे ओवर चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं हैं उस पर. आई एम जस्ट अ बिगिनर. आई जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन द सोसाइटी. सबको मेरी प्रोडक्ट्स का काम का पता चले और लोग खरीदें, दैट्स वाई. बहुत नॉमिनल प्राइसेज हैं और एट टाइम्स तो मैं एग्जीबिशन करती हूँ तो बस इक्वली हो जाता है. देर इज़ नॉट अ बिग प्रॉफिट. लेकिन जैसे नया काम आप शुरू करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा प्रॉफिट छोड़ते हैं, बेस बड़ी करते हैं और फिर वो क्योंकि वो होता है ना कि या तो आप कीमत बहुत बढ़ा लें तो लोग बड़े कम लोग होंगे जो लेंगे. एक होता है उसको अफोर्डेबल रखें तो आपका बेस बड़ा हो जाएगा. तो इट्स हाउ यू वांट टू मेक द प्रॉफिट्स ओवर हियर. और इंशाल्लाह ताला बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर सो लवली के. और मैं अभी आपको एक कुशन भी दिखाऊंगी. इनको याद था फरा को कि मैंने इनसे लिया क्या सामान. दैट आई एम सो ग्रेटफुल. आई एम सो ग्रेटफुल कि वो कुशन उसके साथ का कोऑर्डिनेटिंग मिल गई लाइन. ख़वातीन हज़रात, ये मैं भी आपसे बात कर रही थी कि ये आप इस कुशन पे देख रहे हैं कि ये एक मुगलिया दौर के ज़माने का, इट्स एन एलिफेंट, वेरी वेल डेकोरेटेड. जो उनके ऊपर टैसल्स दिए वो और जो लोग साथ हैं, बादशाह साथ हैं, एंड द कलर कॉम्बिनेशंस आर रियली ब्यूटीफुल. इस प्रिंट का मेरे पास बेडरूम में मैंने एक लैम्प लगाया, आपको इनके सामान में भी वो नज़र आएगा. और एक स्टूल लिया और एक टेबल ली मैंने. तो व्हेन शी केम हियर टुडे फॉर द इंटरव्यू शी बॉट दिस एज अ गिफ्ट. इट इज़ सो जेनरस एंड आई एम सो वेरी ग्रेटफुल. इसके साथ साथ मैं आपको ये बताते चलूँ, आप थ्रू आउट द प्रोग्राम इनकी प्रोडक्ट्स देखते रहेंगे स्क्रीन पे. इनके जो जिस नाम से ये काम करती हैं कॉन्सेप्ट्स एंड स्क्रीन के ऊपर इनका मोबाइल नंबर भी चल रहा है. अगर आपको कोई अशिया पसंद आई हैं, आपकी कोई क्वेरी है, क्योंकि हमारा मकसद, मेरा मकसद सिर्फ एक इंटरव्यू लेना नहीं है. मेरा मकसद ये है कि अगर कोई वाकई चीज़ इतनी अच्छी है कि मैं ख़ुद जाके उस चीज़ को ख़रीद रही हूँ, तो उस शख्स का, बाज़ लोग करते हैं ना कमीनी कमीनी हरकतें, बताएंगे नहीं लिया कहाँ से, दैट्स सो बैड. कि पता चले लोगों को उनके नंबर के साथ कि अगर आप में से किसी को पसंद आता है तो इस नंबर पे आप फरा फयाज से रब्ता कर सकते हैं. इंशाल्लाह वी विश हर ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि इनका कारोबार बहुत फले फूले. जितनी मेहनत से ये काम को अपने लेके चल रही है. एंड बेस्ट ऑफ लक फरा एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे. थैंक यू.